पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद में घर मकान दुकान भूखंड का सपना देखने वालों के लिए आज का दिन बेहद ही खास रहा। दरअसल लगभग 14 वर्षों बाद मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने 4 नई योजनाओं का शुभारंभ कर दिया। 4 नई योजनाओं में समृद्धि बिहार योजना, विश्वकर्मा हॉट काशीराम योजना, अमृत कुंज योजना, गति शक्ति योजना है, जिसकी शुरुआत आज मुरादाबाद के मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह ने MDA सभागार में बटन दबा कर की। वहीं इस दौरान मीडिया से बात करते हुए विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष शैलेश कुमार ने बताया कि आज बहुत ही हर्ष का विषय है। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने आज करीब 14 साल बाद 4 नई आवास योजनाएं लॉन्च की है, जिसमें कुछ योजनाएं पूरी तरह आवासीय हैं और कुछ योजनाएं पूरी तरह से व्यावसायिक हैं। साथ ही हमने एक मिश्रित निचल योजना भी लॉन्च की है। इन सभी योजनाओं में कुल मिलाकर 300 प्लॉट आवासीय भवनों और 300 प्लॉट की कमर्शियल और आवासीय प्लॉट हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि इनका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा और कल से ही इन योजनाओं में ऑनलाइन माध्यम से पंजीकरण कराया जाएगा के माध्यम से कि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के द्वारा करीब करीब 14 वर्षों के अंतराल के बाद और नई योजनाएं लॉन्च की गई हैं। 4 योजनाएं आज यहां लॉन्च हुई हैं, जिसमें आदरणीय मंडलायुक्त महोदय की अध्यक्षता में और माननीय मेयर साहब, जिला पंचायत अध्यक्ष, माननीय MLC साहिबान की उपस्थिति में, DIG साहब, हमारे समस्त जिले के अधिकारीगण और प्राधिकरण की पूरी टीम, मीडिया के साथियों की उपस्थिति में योजनाएँ लॉन्च की गई हैं। अमृत कुंज, गति शक्ति नगर, समृद्धि विहार और विश्वकर्मा हाट के नाम से इन 4 योजनाओं को लॉन्च किया है, जिसमें कुछ योजनाएं हमारी प्योरली आवासीय हैं, कुछ योजनाएं हमारी प्योरली व्यावसायिक हैं और एक योजना हमारी जो है वो मिश्रित नेचर की है। तो अलग अलग योजनाओं में सब मिलाकर के कुल 300 प्लॉट्स और करीब करीब 300 जो हैं आवासीय भवनों की व्यवस्था की गई है मल्टी स्टोरी। तो हमें पूरी उम्मीद है कि इनका बड़ा अच्छा रिस्पांस आएगा। कल से ही इनको जो है ऑनलाइन माध्यम से यहाँ पे पंजीकरण कराया जा सकता है। जो हमारी अमृत कुंज और समृद्धि विहार योजनाएं हैं, उसमें कल से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा जनहित पोर्टल के माध्यम से, जिसका लिंक हमारी वेबसाइट पर भी एक्सेस किया जा सकता है और वहाँ पर कल से शुरू होकर के 1 महीने तक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चलेगा। उसके बाद जो भी पात्र लोग रजिस्टर्ड उसके माध्यम से आएंगे, उनको उनके मध्य एक लॉटरी की जाएगी 1 महीने के बाद में और उसके हिसाब से पारदर्शी तरीके से आवंटन किया जाएगा। दूसरी जो हमारी कॉमर्शियल योजनाएं हैं, जिसमें कि जो गति शक्ति नगर है वहां पर प्योरली जो है व्यावसायिक नेचर के प्लॉट्स हैं और 103 प्लॉट्स उसमें हम लोगों ने निकाले हैं। साथ ही साथ एक विश्वकर्मा हाट भी है जो कि यहाँ के शिल्पकारों के लिए है, यहाँ के जो कारीगर हैं उन लोगों के लिए है। इन दोनों योजनाओं को हम लोग ई नीलामी के माध्यम से डिस्पोजल उसका करेंगे और इसके लिए भी जो है कल से ही प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आज यहाँ पर जो है उसको ऑनलाइन कर दिया गया है, कल से रजिस्ट्रेशन इसमें करा सकेंगे और 4 फेजेज में इनका नीलामी आयोजित किया जाएगा। सर, 14 साल बाद आप मुरादाबाद की जनता को देने जा रहे हैं, कितना उत्साह है लोगों में, क्या निकल के आ रहा पब्लिक? देखिए, लगभग 1.5 साल का समय मुझे भी यहाँ हो गया है और मैं लगातार जनता से मिलता रहता हूँ, माननीय जनप्रतिनिधियों से भी मिलता रहता हूँ। आप लोगों के माध्यम से भी हमें जनता की जो आकांक्षाएं हैं वो पता चलती जाती हैं। तो काफ़ी समय से ये बात हम लोग फील कर रहे थे कि यहाँ पर प्राधिकरण के स्तर से जब योजनाएं आएंगी तो उसके हमें बड़ा अच्छा रिस्पांस मिलेगा, बड़ा अच्छा उसकी डिमांड होगी। और निश्चित तौर पर मैं आपको एश्योर करना चाहता हूँ कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 8 से 10 गुना डिमांड जो है इन प्लॉटों और फ्लैट्स के लिए अवेलेबल है और अगले 1 महीने में आपको दिखेगा भी। दूसरे, मैं आपको ये भी एश्योर करना चाहता हूँ कि जो लोग इनमें उनको योजनाएं मिल जाएंगी, इनमें जो उनको परिसंपत्तियां मिल जाएंगी, जिनको नहीं मिलती हैं उनको भी मैं एश्योर करना चाहता हूँ कि इसके बाद हम लोग फिर एक सोनकपुर योजना भी लॉन्च करेंगे, जनवरी फरवरी में नए साल में लॉन्च करेंगे, उसमें भी जो है काफ़ी एक अच्छा स्वर्णिम अवसर रहेगा। और उसके बाद एक हमारी मेगा स्कीम जो है, जो शिवालिक नाम से हमारे बोर्ड ने अप्रूव की है, वो भी जो है अगले साल आएगी, जिसके लिए अभी से ज़मीन के क्रय का कार्य चालू हो चुका है और हम लोग बड़े एडवांस स्टेज में हैं। तो मैं समझता हूँ कि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण अपनी जो प्रतिबद्धता है कि सुनियोजित विकास हो मुरादाबाद शहर का, तो उसकी तरफ हम लोगों ने कदम बढ़ाए हैं और अगले 1-1.5 साल जो है मुरादाबाद के लिए यादगार होने वाले हैं, जिसमें जो है सबको उनकी आवश्यकता के अनुसार, उनकी क्रय क्षमता के अनुसार हम लोग जो है उनको प्रॉपर्टी दे पाएंगे। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।